नमस्कार दोस्तों, परिचय इस मालिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं सत्यजीत रे जी के बारे में। उनका जन्म 2 मई 1931 को हुआ था। 20वीं शताब्दी के विश्व की महानतम फिल्मी हस्तियों में से एक थे, जिन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सत्यजीत राय प्रमुख रूप से फिल्मों में निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय ख्याति अर्जित की है। सत्यजीत राय फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद ही करते थे। इनमें निर्देशन, छायांकन, पटकथा, पार्श्व संगीत, कला निर्देशन, संपादन आदि शामिल है। फिल्मकार के अलावा वह कहानीकार, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे। सत्यजीत राय कथानक लिखने को निर्देशन का अभिन्न अंग मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल है। इनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली को कान फिल्म उत्सव में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत राय भारत रत्न के अतिरिक्त पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैगसेस पुरस्कार से सम्मानित है। विश्व सिनेमा को अभूतपूर्व योगदान देने के लिए सत्यजीत राय को मानद ऑस्कर अवार्ड से भी अलंकृत किया गया है। इसके अलावा उन्होंने और उनके काम के कुल 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए हैं। विश्व सिनेमा के पितामह माने जाने वाले महान निर्देशक अकीरा कुरोसावा ने राय के लिए कहा था, सत्यजीत राय के बिना सिनेमा जगत वैसा है जैसे सूरज चांद के बिना आसमान है। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, मैं यहीं पे रुकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।